अमोनिया इज टॉक्सिक फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटेड नाइट्रोजनस वेस्ट, ये तो पता ही हमें। व्हाट वुड बी अ की रीजन दैट ऑर्गेनिज्म वुड प्रेफरेंसली एक्सक्रीट अमोनिया इंस्टेड ऑफ यूरिया। भाई लाइन तो ये है ना, चीजें हमको पता है कि तीन चीजें हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। इन तीनों में टॉक्सिसिटी का लेवल देखेंगे तो आपको पता ही है, टॉक्सिक हाईली टॉक्सिक है, फिर ये आपका लीस्ट टॉक्सिक है, ये लेस टॉक्सिक और ये लीस्ट टॉक्सिक। जो जितना ज्यादा आपका टॉक्सिक होगा उसके लिए वाटर उतना ही ज्यादा चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। ऑर्गेनिज्म वुड प्रिफरेंसली एक्सक्रीट अमोनिया। अब देख लो, कह रहा है कि इसको प्रिफरेंसली एक्सक्रीट करना चाह रहा है वो, और इसको इसलिए प्रिफरेंस, और अगर इसको प्रिफरेंसली एक्सक्रीट करेगा तो क्या वो ज्यादा से ज्यादा वाटर बाहर फेंक देगा? और कौन ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो वाटर बाहर फेंकेंगे? जिनके पास वाटर की कमी नहीं है, बहुत ज्यादा वाटर अवेलेबल है उनके पास। अब आगे ऑप्शन पढ़ो, ऐसा क्यों करना चाहेगा? क्योंकि आपको पता है अमोनिया से यूरिया बनना इतना आसान थोड़ा है। अमोनिया से यूरिया बनना एक ट्रिकी प्रोसेस है, और ऊपर से यहाँ पर दो जगह एटीपी खर्च हो जाता है। मैंने आपको बताया था, एक वो स्टेप है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और एक साइटोसोल में, दो स्टेप में एटीपी लग जाता है। तो अमोनिया से बनना, अमोनिया से यूरिया का कन्वर्जन एक एनर्जी एक्सपेंडिचर प्रोसेस है। इसका मतलब वो इसीलिए प्रेफरेंस देना चाहेगा कि वो अपने एटीपी को बचाना चाह रहा है, और एटीपी को बचाना चाह रहा है, दूसरा उसके पास वाटर ज्यादा होगा, वही लोग ऐसा कर पाएंगे। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अमोनिया टू अ लेस टॉक्सिक फॉर्म। भाई वो अमोनिया को प्रेफरेंस क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा होगा? सीधी सी बात है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी बचाना चाह रहा होगा। सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, ये स्टेप सही है। दूसरे में लिखा हुआ अमोनिया एक्सक्रीटेड बेनिफिट्स इट्स एनवायरनमेंट एंड हैबिटेट। भाई इससे उसकी बॉडी का क्या रिलेशन है? सी जो आप लोग कह रहे हो, अमोनिया इज सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड बेटर देन यूरिया और यूरिक एसिड ड्यूरिंग एक्सक्रीशन। भाई सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब से करोगे क्या आप? इससे कोई मतलब है? यहाँ वो कह रहा है कि प्रिफरेंसली एक्सक्रीट अमोनिया, और यहाँ कह रहे हो सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब, कोई मतलब ही नहीं बनता है, अननेसेसरी स्टेटमेंट है। और लास्ट में लेस वाटर इज लॉस्ट, लेस वाटर नहीं, मोर वाटर लॉस्ट होगा, ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। तो आपको सीधे सीधे दिख रहा था आपका एनर्जी बचाने के लिए ऐसा करना चाहेगा वो। लिखवा इन मैमल्स द टू इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द, मैमल्स की बात चल रही है, एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ यूरिया। भाई पहले अमोनिया से यूरिया बनेगा, कौन बनाएगा? लीवर और किडनी, फिर उसको एक्सक्रीट करने में हेल्प करेगा। तो दो ऑर्गन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, लीवर एंड किडनी। ठीक है, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर इज कंपोज्ड ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखना क्या है, डी होगा। भाई एंडोथेलियम ग्लोमेरुलस की थी, ये तो है। बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके नीचे है, पोडोसाइट्स उसके नीचे है, तो ये तो तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एक बैरियर बना रहे हैं। तो क्या नहीं होता यहाँ पर? मैकुला टेंसा नहीं होता। मैकुला टेंसा आपको कहाँ मिलता है? जेजीए में मिलता है, तो वो इसका पार्ट नहीं है। तो ये तो है, ये है, आंसर इसका बी बन जाएगा। भाई आपने पहले ही क्लास में पढ़ा हुआ है, बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस मिलकर क्या बनाते हैं? रेनल कॉर्पसल। और बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है, रेनल कॉर्पसल ऑलवेज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन। तो क्या होगा आंसर? ए होगा, रेनल कॉर्टेक्स। तो इसमें इतना सोचना ही क्यों है? दोनों टाइप के नेफ्रॉन्स पढ़े हमने, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स भी और जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स भी। दोनों ही केस में रेनल कॉर्पसल कहाँ प्रेजेंट था? कॉर्टेक्स वाले रीजन पर था, मेडुला में कभी आता ही नहीं हूं। आंसर ए बनेगा। अब देखना, ये गेट का क्वेश्चन है, अब गेट वेट सब जगह आते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कहीं आते नहीं। फिल्ट्रेट में सोडियम के लेवल को सेंस करता है, और अगर वो बड़ा हुआ है तो उसके रीअब्सॉर्प्शन को रोक देगा। अ क्लस्टर ऑफ सेल्स इन द जेजी एपरेटस इन द किडनी दैट सेंसेस द सोडियम कंसंट्रेशन ऑफ द ट्यूबुलर फ्लूइड, इसी को तो सेंस करता है, ए बनेगा। रेनिन अ प्रोटीलिटिक एंजाइम एक्ट ऑन। रेनिन का सबस्ट्रेट क्या होता है? रेनिन का सबस्ट्रेट एंजियोटेंसिनोजन होता है, जिसको कन्वर्ट कर देता है वो किसमें? एंजियोटेंसिन 1 पर। तो सीधा आंसर डी है। दो फिगर, एक ही फिगर में दो एरो लगाए थे, कौन से सबस्टांस फिल्ट्रेट का पार्ट बन जा रहे हैं और कौन से सबस्टांस वापस से रिवर्ट बैक हो जा रहे थे? देखना रिवर्ट बैक में क्या हो रहा था,
ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स पार्ट नहीं बनेंगे। सुगर न्यूट्रिएंट है, ग्लूकोज अमीनो एसिड ये सारे आ जाएंगे। सुगर आपका न्यूट्रिएंट में है, न्यूट्रिएंट जबकि आते हैं और न्यूट्रिएंट 100% रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं कहाँ से, पीसीटी से। तो यहाँ सुगर भी लिखा हुआ है, यहाँ सुगर नहीं, आंसर इसका ये वाला जाएगा। ठीक है, सेकेंड का आंसर बताओ। मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज दैट इज फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलस अंडरगोज रीअब्सॉर्प्शन। हमने एक पॉइंट लिखा था पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है और 100% न्यूट्रिएंट्स वहां से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज ये कहाँ रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, पीसीटी वाले रीजन पे, ये बनेगा आंसर। ठीक है, ट्रैफिक तो देखा ही सबने रोड में, मान लो कि यहाँ पर अच्छा खासा ट्रैफिक चल रहा है, सारी गाड़ियां बिल्कुल हाईली स्पीड से दौड़ रही हैं। ठीक है, देख देखना प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ही होता है, जब रोड बिल्कुल क्लियर होती है तो गाड़ी अपनी मैक्सिमम स्पीड से चल रही है। फिर आपने देखा होगा कहीं कहीं पुलिस वाले 20 रोड में बैरिकेड लगा देते हैं, और बैरिकेड लगाते ही क्या हो जाता है, सपोज करो ये बैरिकेड लगा दिया, एक इधर लगा दिया, एक इस साइड लगा दिया, अब जहां पर बैरिकेड लगाया क्या वहां पर ट्रैफिक जाम बढ़ने लग जाता है, और क्योंकि अब रास्ता आपने छोटा कर दिया है तो क्या अब यहां पर से गाड़ियां धीरे धीरे निकल रही होंगी। भाई जाम का सबसे बड़ा रीजन यही है, जब भी ट्रैफिक में आपका बैरिकेड लगते हैं आपने देखा होगा जाम लगने लग जाता है। अब जो यहाँ पर डेस्टिनेशन सपोज करो ये थी, ये हमारी डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन हमारे लिए क्या है, ग्लोमेरुलर है, ग्लोमेरुलस है। अगर ये रास्ता एकदम क्लीन होता और यहाँ पर कोई बैरिकेड नहीं होते तो क्या ये गाड़ियां, इसको आप ब्लड मान लो जो हम यहाँ पर ट्रैफिक बोल रहे हैं, क्या ये ब्लड बहुत तेजी से आता और सीधे अपने डेस्टिनेशन में पहुंचता। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है, बीच में रास्ता क्या हो गया है, यहाँ पर बैरियर आ गए। ठीक है, क्या यहाँ पर ब्लड अब धीरे पहुंचेगा, जितने टाइम पर जितनी स्पीड से ब्लड ग्लोमेरुलस में पहुंचना चाहिए था बीच में रास्ता रोकने की वजह से पहुंचेगा नहीं। दूसरा वाला रास्ता क्लियर है, नो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब आप बताओ किसमें ब्लड तेजी से आएगा और ज्यादा आएगा, क्या यहाँ पर जल्दी भी आ जाएगा और मैक्सिमम भी आएगा, क्योंकि उस वाले में क्या हो रहा है, उस वाले में बीच में आपने क्या कर दिया, कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया है, तो कहीं ना कहीं आपका अब यहाँ पर ट्रैफिक स्लो हो गया है, और स्लो हो गया है तो अब यहाँ पर आने वाला जो ब्लड होगा वो धीरे आएगा और कम आएगा। किसी पर्टिकुलर टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम, कोई टाइम एक्स टाइम ले लो कि इतने बजे और यहाँ पर भी इतने बजे, बताना किसमें ज्यादा वॉल्यूम आएगा, जिसमें कोई कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं है उसमें आपका वॉल्यूम ज्यादा आएगा। अगर आपने कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्ट्रियल कर दिया, एफरेंट आर्ट्रियल क्या होता है, वो आर्टरी जो ब्लड लेके आती है कहां पर, ग्लोमेरुलस में, तो ग्लोमेरुलस में लाने वाली आर्टरी को ही आपने कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया तो क्या ब्लड का वॉल्यूम कम आएगा, और ब्लड का वॉल्यूम कम आएगा तो बताना कौन सा प्रेशर कम हो जाएगा, ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर डाउन हो गया। सबसे पहला वाला प्रेशर देखना, जो होल ब्लड के थ्रू ग्लोमेरुलस में होल ब्लड के थ्रू लगने वाला प्रेशर क्या हो गया, कम हो जाएगा। भाई वो तो होल ब्लड के थ्रू है ना, जब आप चैम्बर पे ही ब्लड कम रखोगे तो प्रेशर भी तो कम हो जाएगा। तो आपने बोला है पहला ही प्रेशर क्या कर दिया है, डाउन कर दिया है। और ये वाला प्रेशर क्या करता है, ये वाला प्रेशर फिल्ट्रेशन को फेवर करता है। अब आप बताओ जो प्रेशर फिल्ट्रेशन को फेवर करता है अगर आपने उसको ही कम कर दिया तो फिल्ट्रेशन का रेट कम होगा कि बढ़ेगा, फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वोट इंक्रीज्ड पूछा है। तो क्या ए आंसर बनेगा, ए आंसर बन ही नहीं सकता, आपने तो सबसे मेजर फैक्टर को ही डाउन कर दिया। ठीक है, डिक्रीज्ड इन द एफरेंट आर्ट्रियुलर प्रेशर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है तो तभी तो प्रेशर कम होगा, तो ये भी नहीं बनने वाला। रेनल कॉर्पसल नहीं है ये, जो लोग आप इसका आंसर कर रहे हो, रेनल कॉर्पसल होता तो आंसर हो जाता क्योंकि ओवरऑल आप उसका साइज छोटा कर रहे हो, कैप्सूल है वो। डी में लिखा हुआ है अ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, और लास्ट में लिखा हुआ डिक्रीज इन रेनल ब्लड फ्लो। अब आप बताओ रेनल ब्लड फ्लो, रेनल ब्लड फ्लो अगर कम होगा तो क्या ग्लोमेरुलस में जाने वाला ब्लड भी कम पहुंचेगा, और अगर ब्लड ही कम होगा तो क्या सबसे पहला वाला प्रेशर कम हो जाएगा, और सबसे पहला प्रेशर तो फेवर वाला है, वो डाउन कर देगा, तो डी भी डाउन करेगा ना कि इंक्रीज। अब देखते हैं फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा हुआ, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। क्या तीन प्रेशर थे हमारे पास,
ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरी प्रेशर, वो पेज खोल के बैठो सारे लोग जहां पर हमने तीन प्रेशर लिखे हैं, क्या ये फेवर कर रहा है? फेवर ये किसके थ्रू है? होल ब्लड के थ्रू है, होल ब्लड। इसके बाद दूसरा प्रेशर प्लाज्मा कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, प्लाज्मा कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या कर रहा था? ये अपोज कर रहा था। और ये किसकी वजह से लगता है? ये वाला प्रेशर प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से लगता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से। जितना ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन होंगी ये प्रेशर ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो ये कैसा है? ये अपोज करने वाला है। अब क्वेश्चन में देखना क्या लिखा था, क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। अब आप बताओ अगर प्लाज्मा प्रोटीन डाउन होंगे तो उसका इम्पैक्ट किस प्रेशर पे पड़ेगा? प्लाज्मा कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। और ये कैसा प्रेशर है? अपोज करने वाला। तो अपोज करने वाला प्रेशर डाउन होगा तो इसका मतलब है किसको चांस मिलेगा? फेवर वाले को। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इस केस में क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो प्लाज्मा प्रोटीन के डाउन होने से फाइनली क्या होगा? फिल्ट्रेशन का रेट बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सीधे सीधे देख रहा आपको डी होगा। ठीक है, तो सब आपका कॉन्सेप्ट तक, कोई भी कॉन्सेप्ट तक पहुंच नहीं पा रहे हो आप लोग। ठीक है, चले आगे।